आखिर क्यों श्री राम को देना पड़ा अपने ही भाई लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड? आखिर क्या था लक्ष्मण जी का गुनाह? क्यों भाई ने दी भाई को मौत की सजा? दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी ही होगी, आप रामलीला भी देखते होंगे। आपको ये भी पता है कि श्री राम अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते थे तो वो थे उनके भाई लक्ष्मण जी। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से पता चलता है कि श्री राम को लक्ष्मण जी के बिना नींद भी नहीं आती थी और न ही श्री राम लक्ष्मण जी के बिना कभी खाना भी खाते थे। यहाँ तक कि सिर्फ लक्ष्मण जी ही ऐसे थे जो श्री राम के साथ उनकी पूरी जिंदगी में उनके साथ उनकी परछाई की तरह रहे। माता सीता भी श्री राम से बिछड़कर एक साल तक लंका में रही थी। हनुमान जी भी श्री राम की जिंदगी में बहुत बाद में आए। श्री राम के प्रिय भाई भरत भी उनसे 14 साल दूर रहे, लेकिन सिर्फ लक्ष्मण जी ही इकलौते ऐसे शख्स थे जो श्री राम से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहे। इतने प्यार के बाद भी श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय भाई को प्राण दंड दे दिया। आखिर वो कौन सी वजह थी कि श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दे दिया था? एक और रहस्य की बात है कि क्या मृत्यु दंड पाने के बाद भी लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, द कर्मा आपको आज रामायण का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने अयोध्या में 11,000 साल तक राज किया और धर्म की स्थापना कर दी, तब ब्रह्मा जी के आदेश पर काल रूप बदल कर उनके पास आया और काल ने उनसे कहा कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहता है। लेकिन काल ने श्री राम के सामने एक शर्त रखी कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहता है क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का एक खास संदेश देना है। श्री राम ने काल की बात मान ली और उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वे अकेले में किसी से मिलने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी श्री राम को डिस्टर्ब न करे और अगर लक्ष्मण जी ने उनके इस आदेश का पालन नहीं किया तो वे मृत्यु दंड की सजा पाने के लिए तैयार रहें। अपने भाई के हर आदेश का पालन करने वाले लक्ष्मण जी ने तुरंत श्री राम की आज्ञा का पालन किया और श्री राम के महल के द्वार पर सुरक्षा के लिए खड़े हो गए। अंदर श्री राम को काल ने ब्रह्मा जी का ये संदेश सुनाया कि प्रभु, आपका समय अब पृथ्वी पर पूरा हो चुका है। पूरे संसार में आपने धर्म की स्थापना कर ली है, इसलिए अब आप वापस अपने लोक वैकुंठ लौट जाएं। श्री राम और यमराज अभी इस मुद्दे पर बात कर ही रहे थे कि महल के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पधार गए और उन्होंने श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा प्रकट कर दी। आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि की जीप की नोक पर ही हमेशा शाप रहता है। तो लक्ष्मण जी ने उनसे निवेदन किया कि अंदर प्रभु श्री राम किसी से जरूरी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इंतजार कर लें। बस फिर क्या था, दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से जल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया और कहा कि अगर तुरंत श्री राम से उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो वे पूरी अयोध्या की जनता को अभी भस्म कर देंगे और श्री राम के कुल को शाप भी दे देंगे। अब लक्ष्मण जी भी दुविधा में पड़ गए कि आखिर वे करें तो क्या करें, अपने भाई श्री राम के आदेश का पालन करें या फिर दुर्वासा ऋषि के शाप से अयोध्या की जनता की रक्षा करें। आखिर में लक्ष्मण जी ने अयोध्या की जनता के कल्याण को आगे रखकर अपने मृत्यु दंड की सजा की परवाह नहीं की और दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने दे दिया। दोस्तों, महल के अंदर तब तक काल और श्री राम जी के बीच की बातचीत खत्म हो चुकी थी। श्री राम ने काल को ये आश्वासन दे दिया कि वो जल्द ही अपने लोक वैकुंठ लौट जाएंगे, लेकिन जैसे ही काल वहां से गया और दुर्वासा ऋषि वहां पधार गए तो श्री राम ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और उन्हें खाना पीना खिलाकर आदर के साथ विदा कर दिया। लेकिन तब तक लक्ष्मण जी ने तो श्री राम के आदेश का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए लक्ष्मण जी मृत्युदंड की सजा का पालन करने के लिए सरयू नदी के तट पर चले गए। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि के लिए ध्यान लगाया और वे धीरे धीरे सरयू के जल में अंदर प्रवेश करते गए। लेकिन अभी रुकिए, लक्ष्मण जी की मृत्यु जल समाधि से नहीं हुई। जैसा कि अक्सर आपने सुना या देखा होगा,
वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि लक्ष्मण जी ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए सरयू में जल समाधि तो जरूर लगाई थी, लेकिन जैसे ही वे सरयू के अंदर जाने लगे तो इंद्र और कई देवता उनके पास आए और उन्हें अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक लेकर चले गए। तो अगर आपने ये पढ़ा है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग गए थे तो अपनी जानकारी को और बढ़ा लें। युधिष्ठिर के पहले राजा नहुष भी सशरीर ही स्वर्ग गए थे और वहाँ इंद्र के पद पर कई सालों तक रहे भी। नहुष ही नहीं, खुद युधिष्ठिर के भाई अर्जुन भी अपने इसी शरीर के साथ इंद्र के स्वर्ग गए थे और वहाँ उन्होंने इंद्र और दूसरे देवताओं से कई दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए थे। स्वर्ग में ही अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक होने का शाप दिया था और पृथ्वी पर एक साल तक अर्जुन अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला किन्नर बनकर रहे थे। इसी प्रकार लक्ष्मण जी भी सीधे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग गए थे। दरअसल स्वर्ग अपने शरीर के साथ वही जा सकता है जिसे इंद्र परमिट करते थे। बिना इंद्र की इच्छा के कोई भी सशरीर स्वर्ग जाने की कोशिश करता था तो उसे अधर्मी मानकर उसका वध कर दिया जाता था। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार श्री राम ने अपने ही प्रिय भाई लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था और किस प्रकार मृत्यु दंड पाने के बाद भी लक्ष्मण जी अपने शरीर के साथ स्वर्ग चले गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक जरूर करें और अगर आप सनातन धर्म के रहस्यों की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। जय श्री राम।